हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग एड ऑनलाइन, अ चैनल फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2A एंड दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के हम कुछ 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और रिमेनिंग एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे अदर वीडियो में। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले MCQs लिए हैं और इनके आपको पहले इनको खुद से अटेम्प्ट करना है, और आंसर शीट आपके लिए लास्ट में अवेलेबल है। पहले आप खुद से चेक कीजिए कि आपको इसमें कितना आता है, वो कितने आपके सही हैं, और कितने आपने सही किए वो आप मुझे कमेंट में लिखकर भी बताएंगे। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेस कोसिंग एजेंट आर, मतलब ऐसा कौन सा है इनमें जिससे हम स्ट्रेस फील करते हैं, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, स्टूडेंट मे फील .. स्ट्रेस इफ दे आर अनेबल टू सबमिट दियर असाइनमेंट। यदि स्टूडेंट अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाता है तो वो किस प्रकार का स्ट्रेस फील करेगा, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल या कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज या आर। स्ट्रेस मैनेजमेंट कि क्या इंपॉर्टेंस है, इम्प्रूव्स मूड, बूस्ट इम्यून सिस्टम, इंक्रीज इफिशियंसी और ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे ही इंपॉर्टेंस हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के। नंबर फोर, ब्रेथलेसनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टमक, इनडाइजेशन एक्सेट्रा आर साइन ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। ये जो आपने ऊपर पढ़े ब्रेथलेसनेस, ड्राई माउथ, ये किस प्रकार के स्ट्रेस के साइन हैं, मेंटल, फिजिकल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। नंबर फाइव, इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, एनेक्सिटी आर साइन ऑफ। ये जो आपने देखे इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट मूड, ये किस प्रकार के स्ट्रेस के साइन हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या फिर ये सारी ही स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हैं। नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस, इनमें से कौन सा स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, स्पीकिंग आउट टू द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस मीन्स, सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, टेक ऑनरशिप ऑफ द टास्क असाइन एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन अकम्प्लिशिंग द टास्क, या फिर बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस, इनमें से कौन सा हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी मदद करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा, गोइंग ऑन वैकेशंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेकिंग नेचर वॉक या फिर ये ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई एक इनमें से है वो आप बताना है, और आंसर्स तो आपको लास्ट में मिलेंगे, वहीं से आप चेक करेंगे। नेक्स्ट नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, इनमें से कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, टेकिंग नेचर वॉक, फोकसिंग ऑन निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ एंड नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बीइंग .. मीन्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मतलब इनमें से क्या होना का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, ये एक सिंपल फोर्स है आपके अंदर जो आपको चीजें कुछ भी काम करने के लिए आपको ड्राइव्स देते हैं, आपको किक देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मेक्स यू टू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग यू, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको आपका वर्क कंप्लीट करने में या स्टडी करने में मदद करता है बिना किसी के चीयरिंग के, किसी की आपको आवश्यकता नहीं होती कि आपको चीयर करे या ना करे, आप अपना वर्क खुद से कंप्लीट कर रहे हैं या अपनी स्टडी आप खुद से कर रहे हैं, तो वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन या फिर सेल्फ स्टीम। नंबर 14, रवि वर्क हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, वॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। रवि हार्ड वर्क करता है किसके लिए, कि वो एंड ऑफ द ईयर में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड अचीव करेगा। तो ये जो मोटिवेशन उसके अंदर है, किस प्रकार का मोटिवेशन है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरमीडिएट या नन ऑफ द अबव। 15, राम परफॉर्म ऑन एनुअल डे फंक्शन, राम ने एनुअल डे फंक्शन परफॉर्म किया एंड लर्न समथिंग न्यू, और कुछ नया सीखा, सच एज डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, वॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस। ये किस प्रकार का मोटिवेशन है, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरमीडिएट या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद ए डेडलाइन टू गेट देम। ये क्या है, एक ड्रीम का सेट है जो कि आप एक डेडलाइन के अंदर चाहते हैं। गोल्स, गोल सेटिंग, विजन या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रीना स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल्स आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। रीना जो स्कूल के बाद का उसका समय होता है वो कहाँ पर व्यतीत करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को की प्रैक्टिस करने में। सी वॉन्ट्स टू डू वेल इन हर एग्जाम, वो अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्निंग, फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। मतलब ये ऐसा इनमें से कौन सा है जिसका मतलब है कि आप अपने गोल को फाइंड करें और उसको कैसे आपको अचीव करना है इसके लिए आप प्लान करें, वो क्या है, फर्स्ट गोल, गोल सेटिंग, गोल कीपिंग या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, वी कैन यूज विच मेथड टू सेट गोल, कौन सा मेथड हम गोल सेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट, क्लास, फर्स्ट या नन ऑफ द अबव। गोल्स शुड बी, गोल्स किस प्रकार के होने चाहिए, स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, नंबर 21, इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वॉन्ट टू डू। मीन्स वो कौन सी एबिलिटी है जो आपको प्लान करने में मदद करती है या अपने आप को कंट्रोल करने में मदद करती है, कि आप कैसे अपने जो आवर्स हैं डे टू डे के वो स्पेंड करें और आप अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव। व्हाट इज एस इन स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग, जो स्मार्ट मेथड होता है गोल सेटिंग का, उसमें इस एस का क्या मतलब है, स्मार्ट, शॉर्ट, स्पेसिफिक या नन ऑफ द अबव। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनरियलिस्टिक गोल, इनमें से कौन सा अनरियलिस्टिक गोल है, मतलब रियलिस्टिक जो हम कर सकते हैं, अनरियलिस्टिक जो क्या कहना चाहिए इसको सिंपल भाषा में, जो नहीं हो सकता हो ऐसा। आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन वन डे, मैं अपने सभी सब्जेक्ट का सारा सिलेबस एक दिन में पढ़ लूंगा। आई विल राइट वन पेज डेली टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, मैं डेली वन पेज राइट करूंगा अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने में। इनमें से कौन सा अनरियलिस्टिक गोल है ये आपको बताना है, या फिर ये दोनों ही अनरियलिस्टिक हैं, या इनमें से कोई सा भी अनरियलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 24, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर रेस एंड वन ए प्राइज। सुरेश ने 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया और प्राइज जीत लिया। दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग, इसने क्या किया, उसको मोटिवेट किया कि वो हर मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जाने लगा। वॉट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस, ये मोटिवेशन किस प्रकार का है, इंटरनल, इंटरमीडिएट, एक्सटर्नल या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, नंबर 25, एंड दिस इज द लास्ट ऑफ दिस सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये इनमें से कौन सा मोटिवेशन का प्रकार है, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव।
तो आई थिंक आपने सभी के 25 एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस आपको सही लगे होंगे आपके हिसाब से, वो आपने नोट डाउन किए होंगे, एंड दिस इज़ द टाइम टू चेक देम, एंड हेयर इज योर आंसर शीट फॉर यू। आप चेक कर सकते हैं आपने किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑप्शन चुना है, क्या वो सही है और नहीं है, तो आप उसे सही कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में इसको गलत ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे और आपके लिए बेनिफिशियरी भी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अगली यूनिट के कुछ और एमसीक्यूज पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।